हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है और मेरे घर में स्वागत है आप लोगों को। कि आप लोगों को तो देखना है कि मेरे घर में क्या क्या हो रहा है। तो आप लोग भी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे थे और यहाँ पर भी आए हैं लो तो बहुत काफ़ी ठंड है। अम्बाला से लेके आ गए हैं लो ठंड, तो यहाँ पर आए हैं तो देखिए मेरे सिमी का क्या ड्रेस बना है। सिमी का ड्रेस पहना दिया गया है इनर, और अब स्वेटर थोड़ा सा मोटा पहन जाना पड़ेगा, बहुत काफी ठंड हो गया है। सिमी हेलो हेलो सिमी, हाय सिमी, हाय हाय बच्चू, इतना आया भी नहीं है सब, कितना दिन हो गया है, कितना दिन हो गया है, नहा ही नहीं है। कपड़ा मत फाड़ो, मत फाड़ो उसको, उसको मत फाड़ो, कपड़ा को फोड़ रही है। देखिए गाइस कैसे फाड़ रही है। बाबू हाय बोल दो। हे गाइस, तो अभी सुबह का टाइम हो गया है और दिन के मानिए कि 12 बज रहा है, और हम क्या है कि सुबह उठे थे, चाय पानी पिए, फिर सो गए। सोने के बाद इतना है डेंजर सपना देख रहे थे, रंजना दो बार आई है जगाने, लेकिन हम साफ साफ मना कर दे रहे थे कि अभी नहीं उठेंगे, जाओ जाओ। तो अभी आप लोग को पता चल रहा होगा हम नहाए भी नहीं है अभी, और बहुत ठंड है इधर, इसलिए उठ के उठना सो गए थे, वहाँ पे सोए थे। अभी बेड मेरा उसी तरफ पड़ा है, तो और अब प्रिंस भी उठ के आ गया है। गुड मॉर्निंग बोल दो प्रिंस, बोल लो गुड मॉर्निंग। तो सब लोग सोए हैं, उधर भाभी सोई हैं, इधर हम लोग सोए हैं, सारे लोग सोए हैं। स्वागत है, लेकिन आज का 2 बज चुका है, इसलिए अब नहा धो के रेडी हो गए हैं लोग। तो ऐसा कुछ बाल झाड़े हैं पूरा साल से, यहाँ इतना ज़्यादा ठंड है कि ओढ़ने पर बाल पूरा ऐसे हो जा रहा है। तो सब लोग नाश्ता पानी कर लिया, फिर दोबारा से खाना पीना बन रहा है, गरम गरम बनेगा खाएगा लो। तो ड्यूटी आज बटा गया है, रंजना बना रही है खाना, अब मनीषा बेड वेड ठीक कर रही है वहाँ पे। इतना अच्छा लग रहा है ना, मम्मी वाइट बेडशीट। हाँ, यहाँ पर बेडशीट वगैरह बिछ रहा है क्योंकि अभी गेस्ट आने वाले हैं, घर से आने वाले हैं। तो यहाँ पे घर से है ना। तो यहाँ पे इसका ड्यूटी हो गया है, बेड ठीक कर रही है, और उधर वो खाना बना रही है। तो हाँ, उधर का रूम सब ठीक ठाक कर ली है। लेकिन आज पानी पूरी बना रही है। हम कल रात में बोले ना तो बोल रही है रंजना, हमको भी भाभी बहुत मन कर रहा था कल, लेकिन नहीं मिला। हम बोले कि उसका तो वो मन, क्योंकि वो क्या बोलते हैं बस में बैठो ना तो थोड़ा मन खराब होने लगता है, इसलिए मैं बोल रही थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पानी पूरी पर कितना जोर है, रात से मांगा जा रहा है पानी पूरी, लेकिन इधर इतना ठंडा था, रात 8 बजे आके बोल रही है हमसे कि मम्मी हमको पानी पूरी खाना है। हम ले गए तो इस समय तो मिलेगा नहीं, दुकान वाला सब बंद करके इधर 7 बजे चल जाता है लोग। तो हम बोले कि ऐसा है कि, तो फिर बोले एक हमको चटक कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप लोग गेस कर लीजिएगा इसको चटक ज़्यादा खाने का मन कर रहा है। तो हम बोले कि तुम चटक खाएगी तो इस समय क्या खाओगी, घर में जो होगा वो चीज़ खाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग तो चूँकि कल घर आए हैं उधर से अम्बाला से, तो घर में कुछ ऐसा कुछ था नहीं, तो हम इसको बोले कि एक हम करो प्याज है ना तो उसका पकौड़ा बना लो और खा लो, हम लोग के लिए मत बनाना चूँकि हमको मन नहीं कर रहा है तेल तेल का सामान खाने का। तो फिर भी बनाई, तो 4-5 ठो हम लोग भी खा लिए, पापा को और हमको दी। तो है उसमें झोला में है, ले लो वो झोला है। तो यहाँ रंजना आ गई और देखे ले जाओ पूरा, तुम्हारे लोग का है इसमें, देखो तो फट गया है। इसको ऑडियंस लोग कमेंट कर रहा था कि ज़्यादा सामान हो गया है तो फट रहा है, तो यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ पे लाओ। अब देखिए इसमें क्या क्या है कि इतना आरसाएँ है इसमें कि ये झोला फट चुका है, और संजोग से ये रंजना का शॉल है, इसका पर्स है, ये जॉकेट है, सचिन वाइट वाला लिए हैं तो इसको दिए हैं, लेकिन अच्छा ये उन्हीं का है ना, हाँ वाइट था ना, हाँ तो ये सचिन का है, ये आज सचिन एक्सचेंज कर लिया है, प्रिंस का वाइट था तो वो ले लिया, अच्छी बात एक है। रेड वाला ये, अरे भाई सब उसी में निकालो, सारा निकाल दे, हाँ निकालो,
एक ये हम लोग खरीदे थे, प्रिंस खरीदे थे, तो ये है उनका और ये है उसमें तुम्हारा है, ये वाला कंबल लगा देते हैं ठीक है। ये तुम्हारे मायके से आया था ना? नहीं हम ही खरीदे थे, मायके वाला तो उसमें रखा। हाँ ये हम सेम इसी कलर का, वो एक ये इसके लिए खरीदाया था, एक ये खरीदाया था जो पहनी है। इसमें तो कैप था ना जी? नहीं पहनती है कैप वा? इसका हाँ, नहीं पहनते हैं तो उसमें कैप है। और ये तो बॉबी का छोटा अनुष्का तो पहन जाना सब लेते आए कि उधर। और एक संतरा हमको मिला था तो वो लेते आए हैं। और ये प्रिंस का है, फोल्ड करके रखे थे हम। और ये मेरा है, ये सब सब हाँ, बास दिया हुआ है तो सब उसी तरह लेके आ गए हैं। बस इस झोले में केवल स्वेटर ही हम डाल के लाए हैं। अब चलते इसको बस देख लीजिए आप लोग। आप लोग कमेंट कर रहे थे गाइज कि इतना सामान भर के ले जा रही हैं कि झोला फट गया है। हाँ तो इसीलिए आप लोग के सामने खोल दिया। और हम बोले भी हैं जो भी सामान लाए हैं अम्बाला से वो सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे कि हम क्या क्या लेके आए हैं वहाँ से, है कि नहीं क्या मनीषा? हाँ। और बोल रहा था लोग गिफ्ट मत लेके जाइएगा, गिफ्ट के लेके हंगामा हो गया। हाँ। तो हम सचिन को बोल दिए थे कि हम नहीं ले जाएंगे कोई भी सामान, तो बोला कि नहीं नहीं आप लोग का है आप लोग ले जाइए। हाँ। चूंकि तुम्हारा भी यहाँ हम पार्टी किए थे तो सब लेके गई थी ना अम्बाला, मतलब जो ले जाने लायक था वो साड़ी वगैरह ले गए थे, बाकी यहाँ बेड में सब रखे। हाँ तो हम नहीं देखे थे कि तुम कहाँ रखी हो कहाँ नहीं रखी हो, हमको तो नहीं ना पता है। नहीं अब गांव पे थी। हाँ हमको हम देखे भी नहीं थे, जो भी सामान था मिला था ये लोग अपना। वही नियम भी है कि कहीं कोई किसी को मिलता है तो हम भी क्या करेंगे, हम रखे हैं तक इनका जरूरत पड़े चाहे उनका पड़े देते रहते हैं। पहले जाइए लो पहनिए लो ओढ़िए लो, इसका तो हाँ अब उसका नहीं पड़ेगा तो वहीं पे सहार के सब रखा जाएगा। तो अभी सब फोल्ड करके रखा रहा है। अब ये कंबल लाए थे ये तो बेड पे अभी यहाँ डला गया है, यही लाए हैं सचिन से मांग के जी। बोले कि चार पांच तो तुम खरीदे हो एगो दे दो हमको। बहुत सॉफ्ट है। हाँ तो वो बोल रहा था कि दूसरा कलर ले लीजिए, अभी नहीं मेरा ब्लू फेवरेट है यही कलर, इसको दोनों तरफ से यूज कर ओढ़ने वाला है तो हम ले लिए। इससे बढ़िया भी दे रहा था, बड़ा वाला में दे रहा था तो हम लेकिन ना बाबू यही रहने दो। और इधर खींचो ना मनीषा, उधर ज़्यादा लटक गया है। तो और जब शादी करके आई थी मनीषा तो उस समय हम इसको विदेश का कंबल गिफ्ट में दिए थे कि ओढ़ना। अब क्या हुआ कंबल? वही अम्बाला ले गई, अम्बाला में हाँ दिए थे ना। हाँ एगो विदेशी हमको दिया था, कोई आदमी आया था तो हमको दिया था, तो एगो इसको दिया एगो पूजा को दिया है, एक रखे हैं रंजना के लिए। तो उसके मायके से मिला है विदेश का कंबल और रजाई तो इसलिए नहीं दिया है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो एक उसको भी दे देंगे। माँ बाप सब बराबर करना चाहता है भाई, किसी को कमी बेसी ना हो। हाँ हे गाइस, तो शाम के टाइम हो चुका है और आप लोग के लिए अभी तक ब्लॉग नहीं आया है तो सोचे हैं कि हम डाल दें एक ब्लॉग। तो यहाँ पे आज बैठे हैं रंजना के रूम में और ये आप लोग देखिए कैसा लग रहा है, ये किट्टू का दिया हुआ है। तो वहाँ से आ रहे थे तो सचिन बोले कि लेते जाइए मम्मी, इसको बिछाने का काम आएगा, तो रंजना को ला के दे दिए हैं कि रंजना अपना बिछाए यहाँ पर और गर्म रहेगा। इस समय काफ़ी ठंड है ना, ठंड की वजह से ही हो गया। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सब सफाई उफाई हो गया, घर बंद करके हम लोग आए थे तो पूरा एकदम महक रहा था चूहा के जैसा, तो अभी थोड़ा थोड़ा साफ हुआ है और अभी कुछ बाकी है तो ऐसा कुछ है। ये बेडशीट का लुक और वहाँ देखिए हाथी घोड़ा सब उसके घर से मिला है रंजना के यहाँ से, तो बोले कि उसमें सजा दो है। और यहाँ पर देखिए ये पोलोथिन में प्रिंस का किया है कि वाईफाई लगा दिए हैं, तो यहाँ पे वाईफाई उनका लगा है, यहाँ राधे कृष्ण भगवान, तो ऐसे ही सब सजाया हुआ है। इसमें फोटो आता है प्रिंस का और रंजना का लगाने पर।